Hi friends, I am your host Gaurav Sopi and welcome to our channel Homegram. So we are seeing the recent news, Deen Dayal Jan Awas Yojana suspend ho chuki hai. Kahan kahan se? Gurgaon se aur Faridabad se. So sabse pehle hum ye discuss karenge thoroughly. I am going to tell you facts and figures about that. कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी लोकेशन से अब दीनदयाल जन आवास योजना जिसमें आपको प्लॉट्स और फ्लोर्स दोनों मिलते थे जो कि बड़े सेलेबल एरियाज थे, बड़े सेलेबल स्कीम थी, वो अब सस्पेंड हो गई है. क्या फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं इसके, क्या इसके अलावा क्या रीजनिंग है इसके पीछे, और फिर जब हम इसके बाद आएंगे इसके इफेक्ट्स क्या होंगे मार्केट में, और इसके अलावा कंक्लूजन पे लास्ट आएंगे कि मार्केट पे आज जो है दीनदयाल जन आवास योजना आने के बाद क्या हुआ, आज चली जाएगी ये पूरी तरह स्कीम खत्म हो जाएगी तो क्या होगा. तो शुरू करते हैं गाइस. तो दीनदयाल जन आवास योजना के बारे में जिन लोगों को नहीं पता मैं फटाफट रिकैप कर देता हूं. 2016 में ये हरियाणा गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था जिसमें आप 80 गज से लेके 179 स्क्वायर यार्ड तक के प्लॉटों पे आप कंस्ट्रक्शन कर सकते थे. 2016 से पहले अगर आप कंस्ट्रक्शन बड़े प्लॉट पे करते थे तभी आप फ्लोर बना सकते थे, मगर 80 गज से लेके लगभग 180 गज तक के प्लॉटों पे आप 4 फ्लोर बना सकते हो. इसका मेन मोटिव ये था कि अफोर्डेबल हाउसिंग आप यूजली देखते हैं, जो अफोर्डेबल हाउसिंग 27 लाख रुपए के आसपास आपकी यूनिट्स आती हैं, उसके अलावा प्लॉट्स और फ्लोर में भी अफोर्डेबल हाउसिंग यूनिट्स आ जाएं. ये मेन मोटिव था ये दीनदयाल जन आवास योजना का, जो कि कहीं ना कहीं दो सिटीज, जो कि हरियाणा की दो सिटीज हैं गुड़गांव और फरीदाबाद में, ये अफोर्डेबल नहीं रहा. इट बिकम अन अफोर्डेबल. रीजन बहुत सारे थे, उसको थॉरली बात करेंगे. तो सबसे पहले जान लेते हैं हरियाणा में 22 डिस्ट्रिक्ट्स हैं. 22 डिस्ट्रिक्ट में 2016 से लेके आज तक 382 लाइसेंसेस पास हुए हैं, जिसमें 4200 एकड़ की लैंड पे लाइसेंसेस पास हुए हैं और 76,500 प्लॉट्स पे लाइसेंस पास हुए हैं. तो आप इतना बड़ा फिगर दे सकते हैं कितनी सक्सेसफुल रही है स्कीम. सो ये ओवरऑल हरियाणा की बात बता रहा हूं. अब हम बात कर लेते हैं गुड़गांव की. तो गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें, इसमें अलग अलग तहसील आ जाती है. गुड़गांव तहसील अलग है, सोना, पटौदी, मानेसर, फारूक नगर, बादशाहपुर, कादीपुर, ये सारी की सारी जितनी तहसील है ये एक डिस्ट्रिक्ट में आती है जो गुड़गांव कहलाती है. वैसे ही फरीदाबाद में ग्रेटर फरीदाबाद और बल्लभगढ़ आता है. सो ये सारा गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में अगर हम बात करें 62 लाइसेंसेस पास हुए हैं. सरप्राइजिंगली 2019 से ही शुरू हुआ, 2019 से लेके 2022 में 62 लाइसेंसेस पास हुए. 695 एकड़ ऑलमोस्ट 700 एकड़ के आसपास की लैंड पे दीनदयाल जन आवास योजना पास हुई. इसके अलावा अगर हम बात करें फरीदाबाद की, फरीदाबाद में यही 40 लाइसेंसेस पास हुए और लगभग 369 एकड़ में आपको दीनदयाल जन आवास योजना के प्लॉट्स या फिर फ्लोर्स दोनों में से कुछ भी मिल जाता है. इसके अलावा LOIs मतलब लेटर ऑफ इंटेंट 24 प्रोजेक्ट्स के पास हो चुके हैं गुड़गांव में, और 211 एकड़ की लैंड पार्सल पे आपको ये न्यू 24 प्रोजेक्ट्स मिलेंगे. तो इसका मतलब क्या है, ये ऑलरेडी लाइसेंसेस पास हो चुके हैं, ये इन प्रोसेस है. सेम गोज विद फरीदाबाद. फरीदाबाद में LOI अगर बात करें 4 प्रोजेक्ट और लगभग 32 एकड़ की जमीन पे लेटर ऑफ इंटेंट पास हो चुका है. सो आज न्यूज क्या है मार्केट की, जो हरियाणा गवर्नमेंट है, इट इज फ्रॉम द CM साइड, आप खट्टर साहब ने ये वाली स्कीम ही स्क्रैप कर दी है. सो दिस दीनदयाल जन आवास योजना इज स्क्रैप्ड, इज सस्पेंडेड. अब कोई नया लाइसेंस इन LOIs के अलावा नहीं मिलेगा. सो रीजनिंग बड़ी सिंपल है, क्योंकि इनका मेन मोटिव था कि अफोर्डेबल हाउसिंग यूनिट्स प्लॉट्स और फ्लोर्स में लेकर आए, वो कहीं ना कहीं अनअफोर्डेबल हो गए. हम पूरा गुड़गांव देखते हैं, पिछले 2 साल में मैंने देखा है कि सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की सेल हुई है तो दीनदयाल के प्लॉट्स हुए हैं या दीनदयाल के फ्लोर्स हुए हैं. और सरप्राइजिंगली मार्केट की बेंचमार्किंग के साथ चलते हैं. ऐसा नहीं कि दीनदयाल के प्लॉट्स है तो वो नॉर्मल प्लॉट्स से सस्ते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. फरीदाबाद में भी यही है, फरीदाबाद में भी हम सेम मार्केट देखते हैं. मार्केट के जो हुड्डा के प्लॉट्स के आसपास के रेट है उसी को साथ ही लेकर चलते हैं दीनदयाल के रेट. इसके अलावा बिल्डर्स ने भी बड़ी अच्छी खासी अपग्रेडेशन कर ली, कई नए नए प्रोजेक्ट्स आ गए. सिग्नेचर ग्लोबल ने बहुत अच्छा काम किया, M3M ने बहुत अच्छा काम किया, DLF आ गया दीनदयाल में, इतने बड़े बड़े प्लेयर्स आ गए दीनदयाल में कि उन्होंने लाइफस्टाइल इंबाइब कर दिया. और ये दीनदयाल जन आवास योजना जो कि कहीं ना कहीं अफोर्डेबल होनी चाहिए थी, ये मिड सेगमेंट से भी ऊपर की डिमांड बन गई. हम गोल्फ कोस्ट एक्सटेंशन रोड पे आज 15,000 रुपए का रेट देखते हैं दीनदयाल जन आवास योजना का. वहीं न्यू गुड़गांव में अगर देखें तो 10,000 रुपए तक रेट पहुंच चुका है दीनदयाल जन आवास योजना के फ्लोर्स का. तो ये आज कहीं ना कहीं अनअफोर्डेबल बनने के कारण डिसॉल्व हो चुकी था मेन इनिशिएटिव, इस कारण से सस्पेंड कर दिया गया है दीनदयाल जन आवास योजना को. अब रीजन क्या है इसके पीछे ये देख लेते हैं.
तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक गवर्नमेंट का जो मुझे लगता है ये रहा, जैसे हम अगर अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम की बात करते हैं तो वहां पे कैपिंग है 4,000 रुपए 4,200 रुपए पर स्क्वायर फिट, ये कैपिंग है प्राइस की, इसी पे ही अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम आएगी। न्यूज आई थी 2022 में कि आप अफोर्डेबल नहीं बनेंगे क्योंकि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत बढ़ गई है, बट गवर्नमेंट ने कैपिंग की, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में रहा। यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रही कि नो कैपिंग वॉज देयर, जो भी बिल्डर जिस तरीके का रेट लाएगा, जिस तरीके का प्रोजेक्ट लाएगा वो एक्सेप्टेड था मार्केट के हिसाब से, जो मर्जी स्कीम लाएगा, इसलिए कोई कैपिंग नहीं थी, इस कारण ये अनअफोर्डेबल बना। फिर एक चीज जो हम देखते हैं इन दिल्ली एनसीआर, वी हैव सीन फ्रॉम पास्ट 2-2.5 ईयर्स हाई लैंड कॉस्ट हो गई है, लैंड की अवेलेबिलिटी कम है, तो बहुत ज्यादा गुड़गांव और फरीदाबाद में लैंड की कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गई है, डिमांड बहुत ज्यादा आई हुई है। कोरोना टाइम के बाद हमने देखा कि सब ने अपने प्लॉट या फ्लोर्स के लिए बहुत अच्छी खासी बुकिंग कराई, डिमांड बहुत ज्यादा थी, ऑप्शंस बहुत कम थे, क्योंकि अगर बड़े टिकट साइज प्लॉट में अगर आप किसी हुड्डा के प्लॉट में जाते हो तो बहुत बड़ा टिकट साइज हो जाता है, 1.5-2 करोड़ रुपए क्रॉस कर जाता है। वहीं आप छोटा कोई, आप कोई भी प्रोजेक्ट में जाते हो जिसमें दीनदयाल के फ्लोर में जाते हो तो आपको 80-90 लाख रुपए से स्टार्टिंग मिल जाती है, तो लेस ऑप्शंस थे इस टिकट साइज के, और एप्रिसिएशन भी लोगों को बहुत मिल गया था। तो ये चीज देखी गई है, जब से दीनदयाल जनआवास योजना के प्लॉट्स और जो फ्लोर्स आए, लोगों ने 2-2, 3-3 साल में 50-60% 70% का भी एप्रिसिएशन पाया है। सोना भी एक एग्जांपल है, कहां 30-35 हजार रुपए के रेट से आज 55-60 हजार रुपए नॉर्मल प्लॉटिंग होती है सोना में। तो ये कई कारण है जिसके कारण आज ये अनअफोर्डेबल हो गया, बिल्डर भी क्लेम कर रहा है, रैली चल रही है और मार्केट में डिमांड भी है और बिक भी रही है चीजें। सो अब इसके इफेक्ट्स क्या है जी? अब किस चीज के इफेक्ट में सस्पेंड हो गई है जो दीनदयाल जनआवास योजना, उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या आएंगे उसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले स्कैर्सिटी जनरेट होगी, क्योंकि मार्केट में आपकी इन्वेंट्री कम हो जाएगी। ये LOI वाले प्रोजेक्ट जरूर आएंगे जिसमें एक्सटेंडेड लाइसेंस भी है आपके, तो कहीं ना कहीं और नए लाइसेंस नहीं आएंगे तो मार्केट में प्लॉट फ्लोर्स की दोनों की स्कैर्सिटी होगी। उसके कारण क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा हाई है, आपकी सप्लाई कम है, तो कहीं ना कहीं आप जो देखेंगे एप्रिसिएशन भी मिलेगा। सो हाई डिमांड विल बी देयर, एप्रिसिएशन बहुत ज्यादा मिलना शुरू हो जाएगा, प्राइस हाइक रहेगी क्योंकि जिस चीज की डिमांड, ये सारी पॉइंट इंटररिलेटेड है, जिस चीज की डिमांड बढ़ेगी एप्रिसिएशन आएगा, एप्रिसिएशन आएगा तो प्राइस हाइक भी होगा। एक चीज और है, बिग टिकट साइज जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं कहीं ना कहीं लोग उस पर भी शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे, और अफोर्डेबल हाउसिंग जिनकी पॉकेट अलाउ नहीं करती है, अफोर्डेबल हाउसिंग में ज्यादा बर्डन आएगा। मुझे जो लगता है, ये एस्टिमेशन है, देखते हैं आगे क्या होता है, कि अफोर्डेबल हाउसिंग में जो नॉर्मली जितनी एप्लीकेशन आती थी उसमें 15-20% की भागीदारी ज्यादा होगी, क्योंकि अभी दीनदयाल के प्लॉट्स और फ्लोर्स की अवेलेबिलिटी नहीं रहेगी, तो कहीं ना कहीं लोग अफोर्डेबल में शिफ्ट होंगे या बिग टिकट साइज में, बीच वाली चीज ही खत्म हो गई है। सो ये आफ्टर इफेक्ट्स हैं जो कि हम आने वाले टाइम पे देखेंगे। अब कंक्लूजन पे आ जाते हैं, ये न्यूज के बाद आज पूरी सिनेरियो देखे हम गुड़गांव फरीदाबाद का, तो क्या कंक्लूजन है? सबसे पहला कंक्लूजन जो मुझे लगता है, आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल विल एक्सेप्ट दिस, बट स्टिल होल्ड योर ऑल दीनदयाल जनआवास योजना प्रॉपर्टी, नो मैटर व्हाट, वो प्लॉट है, फ्लोर है, नहीं बेचना है 2025 तक, बिल्कुल भी मत बेचिए, क्योंकि आज इफेक्ट नहीं दिखेगा आपको, इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट बहुत अच्छा खासा है। दूसरी चीज है लास्ट कॉल टू बाय, व्हाई लास्ट कॉल टू बाय, व्हाट आई फील लाइक, जितनी ये LOIs हैं जो नए आने वाले हैं या जो ऑलरेडी लॉन्च्ड है, ये सारे के सारे जितने प्रोजेक्ट्स हैं कहीं ना कहीं 2-3 महीने बाद बिल्डर भी रेट बढ़ा देगा, बिल्डर को पता होगा मेरा नया लास्ट लाइसेंस है, इसका लाइसेंस ही नहीं मिलेगा, तो ये जितनी प्रॉपर्टीज हैं सारी की सारी इंक्रीज होंगी। लॉन्ग टर्म इफेक्ट इसका 5 साल में दिखने वाला है, क्योंकि टिकट साइज आज छोटा है, तो टिकट साइज छोटा होने के कारण एप्रिसिएशन भी उस टिकट साइज पे आएगा, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है 5 साल में जो आदमी 5 साल होल्ड कर लेगा प्रॉपर्टी का, तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट बड़ा अच्छा खासा इसका आने वाला है। मार्केट एब्जॉर्प्शन इसी साल में आएगी, एप्रिसिएशन अच्छा खासा अगले साल मिलना शुरू होगा, और बढ़िया तरीके से 4-5 साल की अगर आप लॉन्ग टर्म लेके चलते हैं तो कोई भी किसी भी लोकेशन में, मोर और लेस मैं सिर्फ एक स्कीम की बात कर रहा हूं, अभी लोकेशन की माइक्रो मार्केट की बात नहीं कर रहा हूं, आपको अच्छा खासा इफेक्ट दिखेगा। न्यू स्कीम आ सकती है या कैपिंग लग सकती है, कुछ ऐसी चीज जिससे एक सुनने में आ रही है कि नई स्कीम भी आने वाली है, सो वो आपकी जो है मुख्यमंत्री आवास योजना, जन आवास योजना, ऐसी कोई नई स्कीम आ सकती है विद कैपिंग, सडन शिफ्ट होगा। सडन शिफ्ट किस चीज में होगा? आपका प्रॉपर्टीज जो बहुत ज्यादा प्रीमियम है दीनदयाल में, प्रीमियम इन टर्म्स ऑफ जो लग्जरी लाइफस्टाइल दे रही है, लोकेशन बहुत प्रीमियम है, उन प्रॉपर्टीज में आप सडन शिफ्ट देखेंगे,
और न्यू अफोर्डेबल हाउसिंग, जिन लोगों ने अपने अफोर्डेबल के लाइसेंस कैंसिल करके दीनदयाल के लाइसेंस में कन्वर्ट करवाने की सोची थी, वो दोबारा शायद अफोर्डेबल में रहेंगे। तो थोड़ा बहुत चेंजेस न्यू अफोर्डेबल हाउसिंग में भी आएगा। अब करना क्या चाहिए, करना ये चाहिए, आज मैं आपको एक चीज सजेशन दूंगा, अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है दीनदयाल में बाय करने का, आई कैन गिव यू गुड ऑप्शंस, कुछ नहीं करना, 5% पेमेंट देनी है, 1 करोड़ 10 1 करोड़ 15 लाख रुपए की चीज में आज 5 लाख रुपए देने हैं और एक अच्छी जगह आप फ्लोर ले सकते हैं। आपने क्या करना है, आपने सिर्फ एक काम करना है, आप लिखिए #DDJAY और जो नीचे नंबर दिया हुआ है इस पे आप मैसेज कर दीजिए। आज थॉरली बात करेंगे दीनदयाल जनवास योजना के बारे में, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कैसे आप 5-5.5 लाख रुपए दे के एक बहुत ही लग्जूरियस लाइफस्टाइल दीनदयाल जनवास योजना का प्लॉट खरीद सकते हैं और ये मौका वापस नहीं आएगा गाइस। सो जस्ट टाइप #DDJAY और नीचे दिए गए नंबर पे भेज दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, ऐसे और आप अच्छे नए कंटेंट्स चाहते हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।